बुरहानपुर जिले में 15 अक्टूबर को मां नवदुर्गा की सार्वजनिक पंडाल में स्थापना होना है, जिसको लेकर शहर के शिकारपुरा क्षेत्र में रहने वाले पंडित संदीप भाले ने जानकारी देते हुए कहा कि 15 अक्टूबर एकम के दिन शाम 6 बजे से रात 10:30 बजे तक शुभ मुहूर्त है। सभी लोग इस मुहूर्त में घट स्थापना के साथ मां नवदुर्गा की प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। इस वर्ष पूरे 9 दिनों तक मां नवदुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भक्त करेंगे। पंडित ने बताया कि सबसे पहले ढोल ताशे के साथ भक्त मां नवदुर्गा की प्रतिमा को पांडाल तक लेकर पहुंचेंगे, जिसके बाद ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उच्चार के साथ घट स्थापना और मां नवदुर्गा की प्रतिमा की स्थापना कराई जाएगी, जिसके बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आरती करेंगे। शारदीय नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना कर दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपके ऊपर आने वाली विपदा दूर होगी और आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। पंडित संदीप भाले ने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे नवरात्र साल में 6 बार मनाई जाती है, लेकिन शारदीय नवरात्र में मां नवदुर्गा की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व रहता है। इस नवरात्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए मां नवदुर्गा की आराधना करे। रहेगी मां नवदुर्गा की स्थापना की और किस मुहूर्त में स्थापना होना है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां पराशक्ति भगवती की कृपा से हम सब लोग उसकी सेवा करते हैं। अश्विन शुक्ल नवमी, नवरात्र की जो नवमी रहती है, वो नवमी तक प्रतिपदा से पराशक्ति जगदम्बा की आराधना उपासना हम करते हैं। ये बार नवरात्र की स्थापना अश्विन शुक्ल प्रतिपदा रविवार के दिन आ रही है। इंग्लिश तारीख 15 तारीख है, 15 अक्टूबर। रात को शनिवार की रात्रि में 11:25 तक के सर्व पितृ अमावस्या है और बाद में एकम लग जाती है प्रतिपदा पड़वा। उस दिन के मुहूर्त तो ऐसे सुबह से ही है, ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरुआत हो जाती है, लेकिन अगर कोई चौघड़िया देख करके विचार करता है तो 9 से 12 में लाभ मिलता है। शाम को भी 6 से 9 में अच्छा समय मिलता है स्थापना करने। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष अनुसार माँ जगदम्बा की स्थापना होती है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों का समावेश है। वो दुर्गा माता नवदुर्गा, उनकी आराधना करते हैं। जो कोई मनोभावना से, श्रद्धा से, भक्ति से इनकी आराधना करता है, उपासना करता है, उनके सारे कष्ट, सारे दैन्य निवारण हो जाते हैं। मां भगवती की असीम कृपा होती है ऐसे मनुष्य के ऊपर। प्रत्येक व्यक्ति जो धार्मिक तत्व का है वो नवरात्र जरूर करता है। अश्विन महीने की जो नवरात्र आती है उसके अंदर वैसे कुल मिलाकर के 6 नवरात्र है देवी के, लेकिन अश्विन महीने का जो नवरात्र है इसके अंदर व्रत उपवास इन चीजों का ज्यादा महत्व है। जिसका जिस प्रकार से होगा, कोई फरियाल के ऊपर उपवास करते हैं, कोई फल के ऊपर उपवास करते हैं, कोई एक टाइम भोजन करके उपवास करते हैं, जिसका जिस प्रकार की परिपाटी रूढ़िवाद चलते आ रहा है उस प्रकार से वो करते हैं। लेकिन एकम को जैसे स्थापना होती है वैसे व्रत की शुरुआत होती है। विशेष करके एकम से स्वयं के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने अनुष्ठान करना चाहिए। कितने दिन तक की स्थापना रहेगी इस बात में? प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक के जो है वो स्थापना रहती है। अष्टमी को महाअष्टमी होती है और ये बार 23 तारीख सोमवार को नवमी आ रही है। पूरे 9 दिन माता की स्थापना, 9 दिन पूरी माता की स्थापना होगी।
और क्या पूजन ऐसा करें कि जिससे माता प्रसन्न होगी? अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजन करें। नवरात्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति दुम दुर्गायै नमः, दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और क्या ऐसा प्रसाद चढ़ाए कि ऐं रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, ये बीज मंत्र है, इसका निरंतर जाप करते रहे, भगवती की असीम कृपा निश्चित होगी। अष्टमी के दिन माँ हवन होता है, वो हवन में बैठे आहुति देवे, प्रसाद में भगवती को जो अर्पण करना है नित्य नियम से मिठाई दे सकते हैं, फल दे सकते हैं अर्पण करने के लिए। और आखिरी दिन पूरी, चने आलू की सब्जी, खीर, इसका विशेष भोग लगता है, ये माता को हवन में भी डलता है, आहुति देनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति ने हवन में 5-5 आहुति तो भी देना चाहिए, जिससे जीवन का कल्याण निश्चित है। क्या नाम आपका? संदीप भले।